नमस्कार, मैं सुष्मिता बिस्वा स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है जबलपुर से, जहाँ ब्योहारी में कोरोना महामारी को लेकर स्थानीय प्रशासन सख्त। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन सख्त होकर जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए SDM PK पांडे, SDOP भविष्य भास्कर, CMO जयदेव दीपांकर, थाना प्रभारी अनिल कुमार पटेल ब्योहारी एवं नायब तहसीलदार अमित मिश्रा व इनकी टीम द्वारा नगर के तिराहा चौराहा के साथ अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाकर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देकर इससे बचाव के उपाय के बारे में बताया गया। जनता को कर्फ्यू लगाना है, उसका पालन करना है। धारा 144 भी लागू हो गया है। एक स्थान पर 4 से अधिक लोग जो है इकट्ठा किए गए, और भीड़ भाड़ से बचना है, फासले तोड़ने वाले से बचना है। बुजुर्ग लोग तो कल मतलब ये आपको 10-15 दिन उसका पालन करना पड़ेगा, है ना। कल का तो कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू का अपील किया है। सब जगह भीड़ बना के रहिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, दो दो करके थोड़ा अपने एक दूसरे के पास फैलने से होता है वो, और वो खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से ये सबसे हो रहा है। अभी शहडोल में एक आदमी अभी कोरोना का आ गया है, आप लोग को बताता हूँ वीडियो, तो ये मत समझना कि ब्योहारी में नहीं चल रहा। हर उल्टे के जबलपुर में फैल चुका है, जबलपुर यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ कहीं बाहर भी जाते हैं, घर से हाथ धोते निकले, बार बार हाथ धोते रहें, छूने से ज्यादा फैल रहा है, तो घर के आने से पहले, घुसने से पहले ही हाथ धो लें। बाहर दुकान वाले, जितने भी दुकान वाले भाई लोग हैं, सब अपनी दुकानों में हाथ धोने की व्यवस्था रखी है, तो सैनिटाइजर रख लें। और सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, तो साबुन से भी धो सकते हैं, पानी से हाथ, और थोड़ा दूरी रखें एक दूसरे के बीच में। ब्योहारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।